हेलो गाइस, दिस इज मनोज भंडारी। वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस फ्रीक। और आज की जो मैं वीडियो करने जा रहा हूँ वो है बैक वर्कआउट। बैक वर्कआउट रेसिस्टेंट बैंड से बैक वर्कआउट को कैसे किया जाता है। लास्ट वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो चेस्ट के ऊपर थी, चेस्ट की वर्कआउट के ऊपर थी, और वो आप चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। तो रेसिस्टेंट बैंड से कैसे हम बैक की एक्सरसाइजेस की जाती है, घर में कैसे आपको करनी है, घर में या आउटडोर। आपको बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है और वेट नहीं है कोई भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे कर सकते हो। देखो, मेरे पास लास्ट की वीडियो मैंने बताया था, वैसे जो तीन तीन रेसिस्टेंट बैंड है, ग्रीन है, येलो एंड रेड है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये येलो कलर का बैंड है, इसका 5 kg के अकॉर्डिंग वेट होता है इसका। और ये जो रेड वाला है, रेड वाला इसका 8 to 10 है, और इसका 12 to 15 ऐसे इसका वेट होता है। एक इसके ऊपर होता है ब्लैक, वो थोड़ा सा हैवी होता है। तो मेरे पास तीनों बैंड है, आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो, इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाते हैं और बहुत ही सिंपल है, मतलब कैरी भी कर सकते हो हर जगह। तो मैं आपको एक्सरसाइजेस पे ले चलता हूँ सीधा। तो गाइज, पहली एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ लेट पुल डाउन। बट मैं ये क्या करूंगा, लेट पुल डाउन को दूसरे तरीके से करूंगा, सुपर सेट में करूंगा, ताकि जो आपका बैक मसल है अच्छी तरह से बर्न हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास अटैच है, इसका अटैच कैसे करना है, इसको आपको घर में सिंपली दरवाजे पे इसको या यहाँ आपको पीछे ये कर देना है इसको, और आपको इसको दरवाजे को क्लोज कर देना है। ये हमारा होल्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बैंड यहाँ पे आ गया आपका। और आप जो है एक्सरसाइज पहले येलो से भी कर सकते हो, ये लाइट वेट है, फिर उसके बाद रेड से और ग्रीन से। मैंने पहले ये ग्रीन से कर रहा हूँ, मैं इसको 3 सेट करूंगा इसके में, और इसकी रैप रेंज होगी आपकी 10 to 15 रैप्स होंगे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे वेट इंक्रीज करोगे तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग रैप्स को फिक्स कर सकते हो। और इसमें जो रेस्ट पीरियड होगा, 90 सेकेंड का रेस्ट होना हर सेट में, ओके। तो मैंने ये अटैच कर लिया यहाँ पे। सिंपली क्या है, नीचे बैठ के ये आपका, आप अपने अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर लेना कहाँ आपका ज्यादा बैंड का रेसिस्टेंट हो रहा है। ये आ गया। अब आर्म्स को स्ट्रेट करना है, इसको धीरे धीरे नीचे पुल करना है, और एल्बो आपके पीछे की तरफ जाएंगे। एक्सेल इनहेल, एक्सेल, आपकी लोअर बैक को स्ट्रेट रखना है आपको। आपको दिख रहा होगा बैक की मसल कौन सी यूज हो रही है, आप अपर बैक, मिडिल बैक, ओके। और लेट पुल डाउन मैंने फिनिश किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों हैंडल को क्लोज ले आऊंगा ये, ठीक है। ये क्लोज लाया मैं हैंडल, और मैं करूंगा क्लोज ग्रिप, ठीक है। तो क्लोज ग्रिप में चेस्ट का जो आपका लोअर पार्ट है उस पर आपको खींचना है इसको। धीरे धीरे ऊपर जाएगा बैंड, इनहेल एक्सहेल, जाने देना ऊपर पूरा, फुल रेंज ऑफ मोशन में। बॉडी को ऐसे नहीं रखना, थोड़ा सा बॉडी को पीछे टिल्ट रखना। ये इसके भी 12 to 15 रैप्स, 10 to 15 रैप्स करने और 3 सेट कंप्लीट करने। तो ये पहली एक्सरसाइज थी, मैं सेकंड एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, ओके। सो गाइस, सेकंड जो एक्सरसाइज है वो सीटेड रो है, ठीक है, सीटेड रो है, और ये भी सुपर सेट में है। तो पहले हमें सीटेड रो करना है क्लोज ग्रिप, और उसके बाद करनी है वाइड ग्रिप सीटेड रो, ठीक है, जो अपर बैक के लिए, और सीटेड रो लोअर बैक के लिए, ठीक है। दोनों एक्सरसाइज सुपर सेट में करनी है, और 3 सेट्स करने हैं इसके, वही रैप रेंज 15, 12, 10। तो हर सेट में आपको वेट को इंक्रीज करना है और रैप को कम करना है, ठीक है। सो मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको अटैच कर लिया, देखो डोर के नीचे 1 फिट, 1 फिट का डिस्टेंस हो गया, 1 से 1.5 फिट का, और अपने अकॉर्डिंग आप फिक्स कर सकते हो इसको। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आपको नीचे बैठना है, फ्लोर पे बैठना है। अब फ्लोर पे बैठोगे तो फ्लोर पे क्या है पोजीशन, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, ताकि जब आप खींचो तो इसका अच्छी तरह से, मतलब प्रॉपर इसका स्ट्रेच आए, है ना। तो देखो अब क्या करना है, आपको पैरों की पोजिशन क्लोज रखना है, क्लोज रहेगी, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, लोअर बैक इसको रो करना है।
थोड़ा सा और पीछे बैठ जाता हूं मैं, यहां रो करना आपको, नी इनसाइड रहेंगी आपके, सामने देखना आपको, अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, लोअर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, स्क्वीज करना है, धीरे धीरे छोड़ना, फुल्ली कंट्रैक्शन करना है, इनहेल एक्सहेल, जैसे ही आपके रैप्स खत्म होते हैं, अब आपको क्या करना है, सुपर सेट में इसको क्या करना है, पहले मेरी मूवमेंट ये थी हैंड्स की, अब आपको क्या करना है, ऐसे ये ग्रिप आपको यूज करनी है, अब ये ग्रिप में आपको क्या करना है, रोज आपको करने है ऊपर, ठीक है, आपके जो शोल्डर लेवल पे, ये अपर बैक को हिट करेगा आपका, चेस्ट अप, धीरे धीरे जा रहे हैं ना, और स्क्वीज करना यहां पे, ये वाइड ग्रिप रो है, सीटेड रो, वाइड ग्रिप सीटेड रो, स्क्वीज स्क्वीज, इनहेल एक्सहेल, ओह, सो गाइस जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है बेंट ओवर रो, बेंट ओवर रो करनी है और उसके साथ सुपर सेट करूंगा मैं सिंगल हैंड रो, तो लोअर बैक की एक्सरसाइज है ये और मिड बैक की, और इसमें कैसे करना है आपको, बैंड को लेना है, सिंपली क्या करना है पैरों पे ऐसे आपको नीचे अटैच कर देना, अब यहाँ से क्या है, हैंडल यहाँ से पकड़ोगे तो यहाँ से आपका फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं आएगा, हैंडल से नहीं आएगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा इसमें, यहाँ से बैंड को पकड़ लूँगा, ठीक है, अब मेरी चेस्ट अप है, लोअर बैक मेरी स्ट्रेट है, इसको रो करना है ऐसे, वन लाइक दिस, टू, इनहेल एक्सहेल, लोअर बैक स्ट्रेट रखनी है, स्क्वीज करना यहां मसल को, फुल रेंज ऑफ मोशन में नीचे जाने देना बैंड को पूरा, जैसे ही आपके इसके 12 to 15 जो भी रैप रेंज है आपकी वो खत्म होती है, फिनिश होती है, उसके बाद हमें सुपर सेट करना है, सुपर सेट में क्या करना है, दोनों को क्लोज कर देना है ऐसे बैंड को, और नीचे फ्लोर पे रखना है, एक पैर से इसको दबा देना ऐसे, एक पैर पीछे रहेगा आपका, बॉडी का बैलेंस आगे रहेगा एलिवेटेड, और लोअर बैक स्ट्रेट रहेगी, अब इसको रो करना है, ये जैसे रो करोगे आपका हैंडल इनवर्ट रहेगा, ये पूरा नीचे तक जाएगा, पूरा स्क्वीज करना है, यहां स्क्वीज करना, होल्ड करना है, धीरे धीरे जाएगा नीचे, 10 to 12 रैप्स यहां से लेने, और उसके बाद फिर आप पैरों के दूसरे पैर से इसको दबा के, वही सेम पोजीशन रहेगी आपकी, चेस्ट अप, ऐसे ही आपको यहां से भी 12 to 15 रैप्स करने, और 3 सेट्स आपको करने, 3 to 4 सेट जो आप करना चाहते हो, और 90 सेकंड रेस्ट लेना है हर सेट में, तो मैं फोर्थ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, फोर्थ एक्सरसाइज में करूंगा स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, ठीक है, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन क्या करना, देखो मैंने इसको अटैच कर दिया ऊपर, मैंने डोर के ऊपर लास्ट में सबसे ऊपर, और ताकि मुझे यहाँ पूरा डिस्टेंस मिल जाए करने के लिए, अब मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया, मैंने दोनों हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा पीछे आऊंगा पूरा, ये मेरी पोजीशन होएगी इसमें, अब इसको क्या है, ग्रिप को मैंने ये वाली ग्रिप ले रखी है मैंने, ये नेचुरल ग्रिप, अब बॉडी थोड़ा सा चेस्ट अप रहेगी, आपको थोड़ा सा नी बैंड करना है और लोअर बैक को स्ट्रेट रखना है और इसको नीचे तक पूरा खींचना है,
यहां जब आओगे यहां स्क्वीज करना है, पूरा आगे तक जाएगा, फुल रेंज ऑफ मोशन में यहां स्क्वीज करना मसल को, भी तीन सेट करने हैं आपको, और वही 10-15 रैप्स है, हर सेट में आप वेट इंक्रीज करते रहना, और मैं अब नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, लास्ट एक्सरसाइज है इसकी बैक की हमारी, वो मैं करूंगा डेडलिफ्ट, ठीक है, रेसिस्टेंट बैंड से डेडलिफ्ट करनी है, ठीक है, और इसके तीन सेट करने और वही 10-15 रैप्स हैं इसके, और इसमें क्या है कि वही 90 सेकेंड रेस्ट लेना है आपको, और मैंने इसमें क्या किया, तीनों बैंड को एक साथ ले लिया मैंने, ठीक है, ताकि मतलब इसमें क्योंकि डेडलिफ्ट हम थोड़ा हैवी करते हैं ना, तो इससे अगर आप चाहो तो आप सिंगल बैंड से भी कर सकते हो, अगर बिगनर हो दो बैंड से भी कर सकते हो, तीन से भी कर सकते हो, मैंने तीनों एक साथ ले लिए, ये पोजीशन है इसकी। अब इसमें क्या करना है आपको, ये आपने बैंड नीचे रख दे तीनों, इसके ऊपर आ जाना आपको, ये आप इसके ऊपर चढ़ गए, अब ये मेरी ग्रिप है ये, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रिप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मेरी लोअर बॉडी देखो बैक स्ट्रेट है, अब मुझे इसको स्क्वीज करना, ऊपर आना है, पूरा नीचे तक जाओगे, स्क्वीज करना ऊपर, चेस्ट अप, ऐसे आपको सेट कंप्लीट करना है ना। तो ये था बैक का वर्कआउट गाइस, और ऐसे इसी तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को करना, मतलब बैक की एक्सरसाइज को, और रेसिस्टेंट बैंड जो बैंड है वो अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो, जो आपका वेट मतलब जो जितना आप लिफ्ट कर। तो गाइस ये था बैक का वर्कआउट, और आप भी इस वर्कआउट को कर सकते हो घर में, और बहुत ईजी है, मतलब बस आपको ये बैंड चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है, जिम की जरूरत नहीं है, डंबल की जरूरत नहीं है, और अच्छा खासा इसमें वेट भी उठ जाता है। तो गाइज और अपनी आप बैक मसल को अच्छी तरह से इंक्रीज भी कर सकते हो और वाइडर बैक बना सकते हो। तो गाइज ये भी ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हो घर में, फॉलो कर सकते हो, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो जिम नहीं जाते हैं, और अगर जिम भी जाते हैं बीच बीच में इसको ट्राई करना चाहिए, ताकि इसका इफेक्ट अलग आता है, क्योंकि जब हम बैंड से एक्सरसाइज करते हैं तो बैंड की जो मूवमेंट है फुल रेंज ऑफ मोशन में उसकी कंट्रैक्शन बहुत अच्छी होती है। जब हम डंबल से करते हैं, डंबल क्या होता है, जब हम कर रहे हैं सपोज सिंगल एंड रो कर रहे हैं, तो डंबल इजीली नीचे चल जाता है, ये नहीं जाएगा, ये इसका जो इलास्टिक है अपने अकॉर्डिंग खींचेगा। तो गाइज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब दिस चैनल, और नई वीडियो में मिलूंगा आपके साथ में, जो मैं करूंगा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आर्म्स की ट्रेनिंग को कैसे रेसिस्टेंट बैंड से ये करना है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, सो गाइज स्टे ट्यून, थैंक यू।